बहन मैं शांत नहीं बैठने वाली हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे आप इंसाफ दिलवाओ, मैं बोल रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे चरित्र पे उंगली उठाया गया। मेरी बात सुनो, जिस किसी ने ऐसा इल्जाम लगाया है, वो जिसने भी चढ़ाया है वो वीडियो, सबने चढ़ाया है, सबने चढ़ाया है, सबने कौन नहीं चढ़ाया है मुझे बताइए। और रू हेलो हेलो, मैं रो नहीं, हिम्मत रखो, रो नहीं, रोने से जो बुलाते हैं। मैम आपको आज एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, जो बोल रहे हैं लोग कि अपने पति को गाय पी थी, चाहे जो भी हो, व्यूज के लिए। मैम जब मेरे पति गायब हुए थे, उससे दो चार दिन पहले की वीडियो उठा के जाके आप देख लीजिए, दो दो मिलियन, तीन तीन मिलियन व्यूज गए हैं। और मेरे गाने से एक दिन में 25,000 रुपया, मैं दूसरे का शूटिंग करती थी, चाहे किसी अपना ही शूटिंग करती, 20-25 हजार मैं पर डे एक गाने से मैं कमा लेती थी। मैम अगर व्यूज के लिए खेल खेलना रहता ना, मेरे बच्चे का मैं कसम खा के कहती हूँ ना, मैं कभी भी सच में मेरा वंश ना चले, ऐसा हो, सच में बता रही हूँ। लेकिन लोग कह रहे हैं उसका करतूत उसके ऊपर पड़ गया, उसकी बेटी जल गई। मैं घर पे नहीं थी, मेरी बेटी जल गई तो किसमें क्या मेरा कसूर है। उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, मैं 86,000 रुपया कंपनी वालों को वापस कर दी थी, मेरे पास पैसा नहीं था। और मैं पूरे सबके सामने मैं अलाउंस की थी कि जो मेरे पति को ढूंढ के लाएगा मैं उसे 1 लाख रुपया दूंगी। अब बताइए मैम, बोलिए देखो, पुरानी बातें मैंने कभी लाइफ में बोला था कि जो भी बात हो गई है उसे मिट्टी डालो, और रही बात जो तुम्हारे कैरेक्टर में उंगली उठाई गई है मुझे बात नहीं पता है, और ये बात तो हम भी माफ नहीं करेंगे। ये तो मैं सरयाम तुम रिकॉर्ड कर रही हो, मैं इसमें बोल रही हूँ, यूट्यूब पे कोई भी बकवास करके नहीं जाएगा, किसी की इज्जत से नहीं खेल सकता है, और ये गाइडलाइन यूट्यूब का है, तुम इसको पढ़ो और इसके हिसाब से खुद को इस्तेमाल करो। विष्णु राज ने बोल दिया है अब वो नहीं करेगा, पालते ने बड़ी बहन मांग ली है, वो कुछ भी नहीं बोलेगी, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। राहुल राज एक औरत को गाली अगर दिया भी है तो भी औरत के नाम पे माफी मांगेगा, और अनन्या ओझा भैया बहुत अच्छे इंसान है, वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब वो जो क्या बोलते हैं, मोटी सी आई थी जो अयोध्या से, मैंने उसको नाम लिया था मैम, कभी मैं उसको जानती थी, कभी बहुत मोटी सी आई थी, कोई अयोध्या से चंदा भाभी करके आई थी, इतनी गंदी गंदी गाली दी है ना विष्णु राज ने, जो गालियां दे रही थी वो गंदी गंदी गालियां दे रही थी। मैंने इसीलिए तो कल पहल की, इतनी गंदी गंदी गालियां सुन के शर्म आ रही थी यार, कि क्या हो रहा है, ये क्या तमाशा बना है, यूट्यूब को घर का गली कुछ अब मैदान बना लिया है। बताइए यूट्यूब और बच्चे देखते हैं, हम लोग के घर में हमारे बच्चे जो चंचन है ना, दिन रात मोबाइल के लिए लड़ती है। मेरी बात सुनो पिंकी, मेरी बात सुनो, सारे मैटर को मिट्टी डाल दो, लेकिन ये जो बात हुई तुम्हारे ऊपर है, कैरेक्टर पे उंगली उठाई गई कि डायरेक्टर के साथ ऐसा करके तुम वायरल हुई हो, वो ऑलरेडी सामने आएगी, नहीं तो उसके खिलाफ मुकदमा दायर करना, पीछे से मैं हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, अगर तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो तो उसमें मैं स्टेज पे बोल रही हूँ, स्पीकर डाल दो। डाल रही हूँ मैम, स्पीकर डाली हूँ मैम, सुनाई दे रहा है। हाँ, जिस किसी ने अगर इस तरीके का हरकत किया एक महिला के साथ उसके कैरेक्टर को लेकर के, और अगर किसी के पास सबूत भी हो ना, तो उसको कोई राइट नहीं बनता है कि वो सोशल मीडिया पे जाके उठवा ले। अरे मैम सुनिए, मैम मेरी बात सुनिए, अरेंज मैरिज शादी नहीं किए हैं, लव मैरिज शादी किए, जान से ज्यादा उसको प्यार करते हैं, ठीक है, जिसके लिए मेरे माँ बाप एक साइड, मेरा पति एक साइड, कोई एक को चुनने को कहना, मुझे पता है कि मैं बाबा माँ पापा के लिए तड़पती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि माँ बाप मेरा साथ नहीं देंगे, लेकिन कहीं भी मैं किसी भी कोने में रहूंगी मेरा पति साथ देगा, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों का शादी करवाते हैं, क्योंकि वो जिंदगी भर उनके साथ नहीं रह सकते हैं, उसका साथ उसका पति ही देगा, उसका बच्चा ही देगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो हमारे पति हमारे साथ कहीं भी किसी भी कोने में मैं जाऊँ तो मेरे पति मुझे साथ लेके जाते हैं, 1 घंटे में कहीं उनसे ओझल हो जाती हूँ तो मुझसे झगड़ा होने लगता है। तुमको नहीं दिख रहा है, टिकटॉक से देख रहा है, एक बार टिकटॉक पे तुम्हारी गंदे मजाक में मैंने वीडियो भी बनाया था कि क्या मैं तो बहुत सारे मीडिया के सामने इंटरव्यू में बोली कि मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो इतनी दूर दूर जाती है, इससे पैसे आते हैं, सब मुझे कुछ नहीं पता था मैडम, मैं मुझे ये सब मुझे लोग गंवार बोलते थे ना, मैं हूँ गंवार, मैं क्या बताऊँ, मैं सच में गंवार थी, मैं गंवार नहीं होती तो मैं देवर पौना करके वीडियो बनाई होती, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। तो आप गांव में करते थे, मैंने इनकी वीडियो में बोला है, इनकी
वीडियो को अंजाम थे, इनको पता नहीं था कि वीडियो कहाँ कहाँ के लोग देख रहे हैं। वही चीज ना, मुझे नहीं पता था, मुझे तो दूसरे लोगों ने बताया, हमारे टीम गोरखपुर का एक सुमित है उसने बताया कि भाभी आप यूट्यूब पर चैनल बनाओ, और मेरे बारे में सुमित से मेरे बारे में पूछा, और मुझे पता है। और मैं सुनिए, जब सुमित मेरा आईडी बनाया था ना, उसके पहले जो मेरी ब्लॉग वाला चैनल, जो ये लोग चिल्ला रहे हैं कि सबसे पहले पहले पहले, अरे पहले नहीं कोई देखता है, कब तुम सक्सेस हुए वो लोग देखते हैं। मैं ना जब 2014 में ही अपना एक आईडी बनाई थी गोरखपुरिया भौजी कॉमेडी करके एक आईडी, जब हम बड़ा फोन खरीदते हैं, मैं जब सबसे पहले फोन खरीदी थी ना, तो उसमें एक आईडी बनाना पड़ता है। एक लड़का मेरे पति का दोस्त है, विदेश से फोन लेके आया था, वो 2017 मॉडल था, 2017 मॉडल फोन था। उसके पहले मेरे पास एक लिनोवो का फोन था 6000 का, मेरे पति ने मुझे दिया था। वो मेरे पति तब गांव गांव में, वहां सहरसा में ठेला चलाते थे, 6000 का फोन मेरे पति ने दिया था। तब मैंने 2014 में मैं अपनी आईडी बनाई थी गोरखपुरिया भौजी के नाम से, नहीं रिंकी राय के नाम से बनाई थी आईडी। मैं शांत नहीं बैठने वाली हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे आप इंसाफ दिलवाओ, मैं बोल रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे चरित्र पे उंगली उठाया गया। मेरी बात सुनो, जिस किसी ने ऐसा इल्जाम लगाया है, वो जिसने भी चलाया है वो वीडियो, सबने चढ़ाया है, कौन नहीं चढ़ाया है मुझे बताइए। वो रूप तारा ब्लॉग ना, बहुत सारा उसका जितना चैनल है ना, अच्छा ये बताइए, व्यूज सब लोग चिल्ला रहे हैं, वो क्या करने आया था उसमें बताइए, मेरा मुझे बताइए, कौन आया था, कौन? रूप तारा ब्लॉग का पति, जितना उसका चैनल है सब चैनल पे 10 मिनट में, 15 आधा मिनट, आधा आधा घंटा पे वीडियो डाला है, मुझे गाली दे दे करके, सबसे गाली दिलवा दे, निशा जलवंशी से गाली दिलवाया है, क्या बोलते हैं उससे, अरे बबीता जो बिहारी है, वो जो चोरनी हमारे घर, अरे मैम आपको पता है मेरे घर का इतना सारा सामान चुरा के ले गई है ना, आपको हम क्या क्या बताएं मैम, खुद कर रही थी, खुद कबूली है, आप कहिएगा ना तो देखिए क्वालिटी कट जाएगी, 5-5 मिनट का 3 वीडियो आप कहिएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। बबीता का नंबर दे दो, अरे मैम वो अपना नंबर बड़ी बहुत बड़ी स्टार जानती है, वो अपना नंबर खुद डाल के रखी हुई है, आपको कहीं ढूंढने को नहीं पड़ेगा, उसको चैनल पे मिल जाएगा आपका नंबर, उसको नंबर, हाँ अरे बाप रे, मर्दी खराब हो गया, परेशान मत